दोस्तों आज के किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में हम तीन मजेदार टिप्स सीखेंगे जो कि हमारे किचन के काम को बहुत ही ज्यादा आसान बनाएंगे। वीडियो बहुत मजेदार होगा दोस्तों, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वास्तिका और आप देख रहे हैं यह वीडियो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस मजेदार से वीडियो को। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। तो हमारी पहली किचन टिप्स है प्याज को छीलने की और इसको काटने की, और ये भी कि ये आंख में बिल्कुल भी ना लगे। तो दोस्तों करना क्या है, आपको प्याज का अपर साइड काटना है और लोअर साइड काटना है, फिर इसे मिडल से काट के आपको पानी में डाल देना है। ये आप छिलके उतार के भी कर सकते हैं या फिर चाहे तो छिलके के साथ ही इसको डाल दें। 2 मिनट का आपको रेस्ट देना है इसको, और उसके बाद आपको इसके छिलके उतारने हैं। तो मैंने अब छिलके उतार लिए हैं, तो अब मैं इसे काटना शुरू करूंगी। तो काटना भी आपको इसको पानी में ही है, आप ऐसे काटिए कि जितने छल्ले इसके गिर रहे हैं वो पानी में गिरे, तो ये बिल्कुल भी आंख में नहीं लगेगा। और दूसरा बेनिफिट आपको ये होगा कि प्याज एकदम साफ सुथरी आपको मिलेगी। इसे पानी में मसल के अच्छे से धुल लेंगे और फिर हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं पानी कितना गंदा हो चुका है प्याज को धुलने के बाद, और हमारा एकदम साफ प्याज जो कि हमें सब्जी बनानी है या फिर पकौड़ी में इस्तेमाल करना है बिल्कुल तैयार है। तो है ना ये मज़ेदार। टिप नंबर सेकंड में मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप किसी चिल्ले को बना रहे हैं या फिर बेसन हो या फिर सूजी का हो, तो आप इसे हाथ से फैलाने में हाथ जला सकते हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है कि आप तेज पत्ते की सहायता से इसे फैलाइए। यकीन मानिए आपका हाथ थोड़ा भी नहीं जलेगा और एक मन चाहे सेब पे आप इसे आराम से फैला सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने चिल्ले को काफ़ी अच्छे से फैला लिया है और ये बहुत मस्त सा चिल्ला बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं इसे खाने के लिए सर्व कर लेती हूँ और हम चलते हैं ट्रिप नंबर थर्ड की तरफ। बाजार से लाई सब्जियां धुलने में बहुत ही मुश्किल होता है, तो अब हम ये दाग लगी हुई गोभियां धुलना आपको सिखा रहे हैं। आपको करना क्या है कि आपको गर्म पानी लेना है, और ये पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी उंगलियां बर्दाश्त कर सकें, और इसमें आपको गोभी के टुकड़ों को भिगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। मेक श्योर कि ये टुकड़े अच्छे से डूब जाए पानी में, और आपको 10 मिनट का रेस्ट लेना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो टुकड़े हैं बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं और बहुत हल्का दाग रह गया है इन पे। और इसका एक बेनिफिट ये है कि इसमें कीड़े भी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। वीडियो का रिव्यू कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें दीजिए इजाज़त। बाय।